हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 6 हाइडी इन इंग्लिश रीड अ बुक एंड वी हैव डन विद द एक्सरसाइजेस ए बी एंड सी. नाउ इन टू दिस क्लास वी गोना सॉल्व एक्सरसाइज डी एंड हियर वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आई हैव रिटन द आंसर्स फॉर यू सो यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आई वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑल्सो. Okay, so the first question is, why does Aunt Dete take Heidi to her grandfather? And the meaning is, Aunt Dete Heidi ko uske grandfather dadaji ke paas kyun leke jaati hai? And the answer is, Aunt Dete takes Heidi to her grandfather because Heidi was an orphan child and she could not take care of her. Aunt Dete Heidi ko uske dadaji ke paas isliye leke jaati hai kyunki हाइडी एक यतीम बच्ची होती है और वो उसकी केयर नहीं कर पाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हेन डज पीटर गेट टेरिबली जेलस एंड व्हाट डज ही डू एट दैट टाइम. पीटर कब बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु हो जाता है और उस वक्त वो क्या करता है. एंड द आंसर इज, व्हेन पीटर नोटिसेस हिज फ्रेंड हाइडी taking Clara to the pastures, he gets jealous and he pushes the empty wheelchair of Clara down to the valley. जब पीटर ये नोटिस करता है कि उसकी जो दोस्त हाइडी है वो क्लारा को ग्रीनलैंड में लेके जाती है, पेस्टर्स के पास लेके जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु हो जाता है और उसी वक्त वो उस खाली व्हीलचेयर, क्लारा की खाली व्हीलचेयर को घाटी से नीचे फेंक देता है. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हाट मेड पीटर सो सबमिसिव विथ फेयर. कौन सी बात पीटर को इतना डरा देती है. और आंसर है, योर आंसर इज, पीटर थॉट दैट हाइडी हैड गॉट टू नो अबाउट हिज विकेड एक्ट ऑफ स्मैशिंग द व्हील चेयर एंड नाउ शी वुड टेल दिस टू हर ग्रैंड फादर होम ही स्केट सो मच. दिस थॉट मेड हिम सबमिसिव विथ फेयर. तो पीटर को ऐसा लगता है कि हाइडी को उसके बुरे एक्ट के बारे में, जो कि व्हील तोड़ी थी उसने, उसके बारे में उसको पता चल गया है और वो अब इस बात को दादाजी से बता देगी जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा डरता है. तो इसी थॉट से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है. क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट कुड बी द ग्रेटेस्ट जॉय इन द वर्ल्ड फॉर क्लारा. मीन्स क्लारा के लिए दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है. आंसर है, For Clara, there could be no greater joy in the world than to be strong and able to walk like other people. Clara के लिए दुनिया में इससे खुशी, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि वो दूसरों की तरह मजबूत बन सके और दूसरों की तरह चल सके. क्वेश्चन नंबर फाइव इज, Why have Heidi, Clara and Peter decided to come up to the pastures every day? Heidi, Clara और Peter ये क्यों decide करते हैं कि वो हर रोज़ उसी green field पे आएंगे, pastures पे आएंगे, pasturing के लिए आएंगे. And your answer is, they decided to come to the pastures every day so that they can help Clara to make her walk more stronger and well. वे ये डिसाइड करते हैं, वे ये फैसला करते हैं कि वो हर रोज़ पेस्टर्स पे, उन ग्रीन पहाड़ियों पे, हरियाली वाली वादियों में आएंगे ताकि वो क्लारा को चलने में और हेल्प कर सकें और उसकी जो वॉक है उसको और मजबूत और अच्छा बना सकें. Okay, so with this we have done with all the questions of exercise D and we have done with the chapter also. I hope you have understood everything. So I'll see you next class. Thank you.